हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा फंड के बारे में, जो कि मैं आपको दो फंड ऐसे बताने वाला हूं। हालांकि ये तीन फंड हैं, पर मैं आज की इस वीडियो में आपको दो फंड के बारे में बताऊंगा, जैसे कि कोटका इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट और इसी के साथ में SBI के कॉन्ट्रा फंड के बारे में। SBI से रिलेटेड तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना दी हैं, पर जो कि सबसे अधिक रिटर्न है वो किसमें मिल गया है इन दोनों में से, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ में आपको कौन से में करना चाहिए और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और आखिर जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से में करना चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तब, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यहां पर आ चुका हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कोटका इंडियन यूके कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो कि इसकी रेटिंग्स हैं 4 की इसकी रेटिंग्स मिली है, ठीक है। यहां पर आप इसका NAV देख सकते हैं। NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेस वैल्यू। NAV है 183.09, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सपेंसिव जो रेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.55। अब एक्सपेंसिव रेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर इसी का ही ये है, अगर रेगुलर प्लान होता तो उसमें यहाँ पर 1.50-51 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम जिस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड से हम डायरेक्ट ही यूनिट को बाय कर रहे हैं, यानी कि NAV को बाय कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये डायरेक्ट है और इसी की जगह सिर्फ यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें आपको रेगुलर देखने को मिल जाता तो यहाँ पर आप एक एजेंट को बाय करते, ठीक है। और वो एजेंट क्या है कि उस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करता और उस म्यूचुअल फंड से जो भी NAV यानी कि यूनिट मिलती वो आपको देता। तो वहाँ पर जो कुछ कमीशन है, ठीक है, वो उस यहाँ पर एजेंट को मिल जाता। अब एजेंट को कमीशन हम नहीं देते हैं, पर वो कंपनी देती है जिस कंपनी में उसने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया है, यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो वो कंपनी उस एजेंट को देगी जो कि सालाना, तो उसी के हिसाब से ही यहाँ पर जो एक्सपेंसिव रेट है वो यहाँ पर बढ़ जाता है रेगुलर में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप फंड साइज देख सकते हैं 3,928.94 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है, ठीक है। यहाँ पर SIP शुरू कर सकते हैं इसमें। चलिए हम देख लेते हैं, नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद मैंने आपको NAV तो बता ही दी है और इसी के साथ में इन्होंने जो रिटर्न दिया है, यानी कि एक साल में 56.38 का इन्होंने रिटर्न दिया है। इसी के साथ में तीन साल में इन्होंने 25 का रिटर्न दिया है और यहाँ पर बात कर लेते हैं 5 साल में इन्होंने 26 का रिटर्न दिया है, 26.2 का। तो कहने का मतलब है कि SBI के मुकाबले, ठीक है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, फिलहाल मुझे तो पता है कि SBI के मुकाबले मुझे ये थोड़ा कम मिल गया है, ठीक है। पर यहाँ पर जो एक साल में इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है, लगभग यहाँ पर 10% SBI से इन्होंने अधिक दिया है जो कि कोटका ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंड का साइज था वो भी मैंने बता दिया आपको, एक्सपेंसिव जो रेट है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। एग्जिट लोड वो लोड होता है, जैसे कि आप कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि उनमें बताया जाता है एक साल से अगर आप पैसे को पहले विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, ठीक है। और एक साल से आप बाद यानी कि पैसे को अपने निकालते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता है। और उसी हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 90 दिन, ठीक है, 90 दिन यानी कि 90 दिन के बाद अगर आप पैसे को निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना है। और आपने यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया और इसी के साथ में उसके बाद में आपने 90 दिन से पहले पैसे को विड्रॉल किया तो आपको यहाँ पर 1% एग्जिट लोड देना होगा, ठीक है। इसका ये होता है। इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप इसमें बहुत ही सस्ते से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, कहने का मतलब है 100 रुपये आप डालकर भाई इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं वन टाइम यानी कि लमसम, ठीक है। इसी के साथ में आप 100 रुपये से इसमें SIP शुरू कर सकते हैं, पर SBI में ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम SBI की तरफ बढ़ते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है।
अब यहाँ पर भी इसकी सारी चीज़ों को समझते हैं, जो इसकी एनएवी है वो है यहाँ पर 440 रुपये 47 पैसे, ठीक है। इसका आप एक्सपेंसिव जो रेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लमसम एक ही बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है तो जिनकी जो एक्सपेंसिव रेट है वो कम ही होगा। और इसी का ही आप डायरेक्ट में चले जाते हैं तो उसका जो एक्सपेंसिव रेट है वो अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि हम रेगुलर में आ जाते हैं, ये है, ठीक है, रेगुलर, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर देखेंगे कि SBI कंट्रा फंड ग्रोथ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसिव रेट है वो यहाँ पर बढ़ चुका है करीब 96%, ठीक है। तो जो 96% जो कमीशन है एक्सपेंसिव रेट की वो एजेंट को जाएगी, क्योंकि ये रेगुलर है। पर हम आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट के बारे में, तो चलिए हम डायरेक्ट पर ही चलते हैं। डायरेक्ट में हमें कोई एजेंट बाय करना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि सीधे सीधे हम उस म्यूचुअल फंड से एनएवी को खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी कि यूनिट को खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एनएवी तो बताई थी 440.47 पैसे यूनिट है, ठीक है, यानी कि इसका रिटर्न है वो है 46, तो रिटर्न है वो आपको बता दूँ कोर्ट का में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में एक साल में उन्होंने 28 दिया है और यहाँ पर 5 साल में इन्होंने यानी कि 32.75 दिया है। कहने का मतलब है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके जो रिटर्न के पिछला देखते हुए, यानी कि जो पिछले वर्ष इन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया है किस किस साल में, अगर उस हिसाब से देखें तो SBI एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो SBI का जो डायरेक्ट प्लान है यानी कि कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि लंबे समय के लिए। अगर आप शॉर्ट समय के लिए कर रहे हैं जैसे कि एक साल के लिए, तो मैं आप कहूँगा आपसे कहूँगा कि आप कोटका में ही करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको 10% अधिक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद में आ जाता है फंड साइज, जो कि उस यानी कि इसमें इस म्यूचुअल फंड में यानी कि अधिक है, यानी कि 39,000 है, ठीक है, और 432.5 करोड़ रुपये का इसमें यानी कि फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो कि एक्सपेंसिव रेट है वो तो लमसम एक ही बराबर है। एग्जिट लोड है, जो कि मैंने देखो अभी आपको बताया, ठीक है, कि अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक्सपेंसिव रेट है वो यहाँ पर 1% देना होगा। पर उसमें था कि आप 90 दिन में यानी कि 3 मंथ में। अब आपको मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर यहाँ पर आपको कौन सा करना चाहिए कि कौन सा करना नहीं चाहिए, किस कंडीशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल गया है कि आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक टाइम में यानी कि लमसम अमाउंट कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपये है। इसी के साथ में आप 500 रुपये से इसमें SIP का खाता खोल सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, ये एग्जिट लोड है, ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। साल, एक साल अगर आपके म्यूचुअल फंड को, यानी कि जो भी आपने म्यूचुअल फंड से यूनिट को बाय किया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उस पैसे को एक साल या फिर एक साल से अधिक हो जाता है, तब आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर एक साल आपका कंप्लीट या फिर एक साल से अधिक हो जाता है, तो उस पर आपको 1,25,000 की आपको छूट भी मिलेगी। और इन्होंने ये भी क्या है, अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, जो कि आपको 20% देना होगा। इसी के साथ में किसी भी प्रकार की आपको छूट भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर हम ये कोटका वाला यहाँ पर लेते हैं, जबकि हम इसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो कहने का मतलब है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बस इतना मतलब बनता है, अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, ठीक है, यानी कि 3 मंथ बाद, ठीक है, या 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th महीने में, तो हमें सिर्फ ये 1% का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। और बाकी की जो जानकारियां हैं वो तो सारी सेम ही हैं लमसम, ठीक है। और अगर आप जैसे कि यहाँ पर 26 दिया गया है, उसमें 32 दिखा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर 3 साल में 26 दिखा रहा था उसमें SBI वाले में, पर यहाँ पर 25 दिखा रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपसे कहूँगा कि SBI कंट्रा में ही करें, ठीक है।
और आप चाहना है कि भाई नहीं मुझे एक ही साल तक करना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी में ही कर दें, ठीक है, यानी कि कम समय के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखना है कि आखिर जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आखिर कौन सी कंपनी का है। जैसे कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, और ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉन्च हुआ है, वो हुआ है यानी कि जून में, 1 जून 2013 में। तो आप समझ सकते हैं 24 चल रही है, तो लमसम इसे कितनी साल है यहाँ पर हो चुकी हैं, इसने रिटर्न दिया है कम में कम वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आखिर ये म्यूचुअल फंड है वो कौन सी कंपनी का है, यानी कि जो कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है और ये लॉन्च हुआ है 1 जून, ठीक है, 2013 में, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कम में कम इसने 19.04 का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको SBI में लेके चलता हूँ। जैसे कि SBI में हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब SBI की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है थोड़ा, जो कि म्यूचुअल फंड है वो है SBI म्यूचुअल फंड है, और ये लॉन्च हुआ है यानी कि 1 जून, यानी कहने का मतलब है ये एक ही साल और एक ही डेट में यहाँ पर ये लॉन्च हुए हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 18.58, और इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि रिक्स है यहाँ पर लो है और रिटर्न है वो हाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एग्जिट लोड है वो तो आपको देखने को ही मिल रहा है 1 साल से पहले, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है जो भी हम पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं आखिर वो पैसा हमारा लगता कहाँ पर है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ खरीदना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ खरीदने में और उसके बाद में बिकने में तो यहाँ पर समय लगेगा, और इसी हिसाब से अगर आप इसमें पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग समय के लिए करना चाहिए, तभी आपको इसमें अधिक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप यानी कि लॉन्ग समय के लिए कर रहे हैं तो आप SBI में करें, ठीक है, और यहाँ पर आप यानी कि कम समय के लिए कर रहे हैं 1-8 साल के लिए तो आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा में करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ यहाँ पर